પાછળ वो देना हमको भी लगता है बारिश आएगी okay. उसके एक सेकंड का मैं शुरू कर दूंगा 1 2 3 बोले मैगी बोलूंगा एंट्री के लिए एंड एक्शन यस हमको भी लग रहा है कि बारिश आएगी 1 2 3 ये बदबू कैसी सबको बोलना है ना बोल गया सर नहीं नहीं ये बदबू कैसी ये बदबू कैसी एक बदबू आने के लिए करो नहीं नहीं वो तो एक रिएक्ट करने के लिए बदबू आई दो काउंट चाहिए ना 2 पे शुरू करो 2 3 पे रिएक्ट करते हो 3 पे रिएक्ट करो 1 सेकंड पे रिएक्ट करो 1 पे बदबू आई हमको भी लगता है बारिश आएगी उसमें स्मेल आया 1 2 3 बदबू कैसी ठीक है 2 पे स्मेल करो हां रोलिंग 2 पे स्मेल हां उठ कर ले आ जाएगा आ जाएगा स्मेल ले लो और एक्शन यस हमको भी लग रहा है कि बारिश आएगी 1 2 3 ये बदबू आएगी एंड गो पेन कार जल बसे हैं लेकिन भागो 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 भाग अब नहीं भागने का मतलब ही नहीं है बजे की खुशबू आ रही है एकदम भागना चाहिए रुकना मत रोल रोल ले कहां से ले रहे थे क्योंकि मजा इसमें ही है एक्शन में पापा बैठना है रोल रोलिंग एंड मैगी थोड़ा पीछे हो गया वो 1 2 3 अभी होएगा ना अभी होगा हां रोलिंग तुम लेफ्ट में हो हां रोलिंग एंड एक्शन यस हमको भी लग रहा है कि बारिश आएगी 1 2 3 ये बदबू कैसी है जाओ सबके कान जल बसे हैं लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा लेकिन मैं बाबा मुलाडी का तीर चलाई हूँ मम्मी जी डालना ही पड़ेगा सबके कान सुलम की तरह खुल जाएंगे मम्मी जी अमरीश अमरीश ओहो बदबू आ रही है तो कान में दवाई क्यों डाल रही है बोले और एक्शन पापा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो कहीं दूर से आवाजें लगा रही है पापा ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दूर से आवाज लगा रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कहीं चिल्ला रही है मैगी ऐसा क्यों लग रहा है कुहू की आवाज आ रही है पंकित मेहुल अरे ये कुहू चिल्ला रही है क्या अब जोर से बचाओ लेवल में भी देखना आ रहा है क्या हिस लेवल में भी आ रहा है हिस तो हिस निकल जाएगा थोड़ा काम हो जाएगा देख ले वो
सर कैसे आगे कहाँ से ट्रेनिंग करके आते हैं लोग अरे पावर दे दो सर ठीक है अभी ओके सर अरे तुम कब से पैसा बचाने लगे अमरीश अमरीश वॉल्यूम बढ़ाओ अमरीश तुम हम टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोल रहे हो तुम रिमोट हमारी तरफ पकड़ रहे हो ऑर्डर क्यों पकड़ रहे हो टीवी के तरफ पकड़ो रिमोट ये आप लोग क्या कर रहे हैं ये चिपचिप चिपचिप क्या हो गया बदल अब गुलाब जामुन खा के रात चिपचिप हो रहे हैं मॉम सॉरी ऑर्डर सॉरी क्या बात वन सेकंड हाँ मतलब बहरे हो गए हैं और एक बम का धमाका हुआ था और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे कान बंद हैं और एक दूसरे हर कोई एक दूसरे को लग रहा है कि कुछ की आवाज़ नहीं आ रही टीवी की आवाज़ नहीं आ रही एक दूसरे से एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और फिर उसमें अमरीश अपनी मस्तियाँ लेता है जो आज तक बात अपनी बीवी को नहीं बोल पाया था वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है तो ऐसे मस्ती और फन है आज के सीन में एक बहुत बड़ा जब हम जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे तो पास में कहीं बम का धमाका हुआ और वो इतना बड़ा बम का धमाका था कि हम सब के कान बंद हो गए ये परिस्थिति हुई और अचानक जब हम खुशियां मना रहे थे मटकी तोड़ रहे थे को हमारी जो छोटी सी बच्ची है वो जाके नारियल से अपनी मटकी फोड़ती है हम खुशी मना ही रहे थे कि अचानक से एक पास कहीं हमारे बम ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कान बंद हो गए सबके अरे फायदा मतलब अगर बीवी आपकी बात आपको आपकी आवाज अगर बीवी तक ना पहुंचे तो कौन मर्द नहीं होगा जो अपने दिल की भड़ास निकालेगा वही काम अमरीश ने किया है आज पूरी भड़ास पूरा खुले में बोला है चिल्ला के बोला है कि तू तू शेरनी नहीं तू बकरी है एक बीवी को अगर ये बोल दिया जाए कि तेरे खर्राटे लेने से पूरा भूकंप आ जाता है धरती कांप जाती है और वो बिल्कुल हंस के बोल रहा है ताकि उसको समझ में ना आए अच्छा तो उसके ऊपर वो रिस्पांस भी देती है कि हाँ हाँ बारिश होने वाली है बारिश होने वाली है तो इस तरह के मज़े वो थोड़े थोड़े ले रहा है हम सब एक दूसरे के साथ मज़े ले रहे हैं मौके पर कौन आप मतलब अगर आप जो कैमरा पकड़े हुए हैं अगर आपकी बीवी है तो सोचिए आप ये मौका छोड़ेंगे खुदा न खास्ता अगर ये फर्ज कीजिए कि आपकी बीवी की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही आप तो मनचाह बोलोगे ना भाई ये मौका कपिला षष्ठी का योग है ये जो कभी कभी जिंदगी में आता है अरे मस्ती आई खूब मजा आया हम लोगों ने खूब इम्प्रोवाइज किया और अभी देखो भाई आप लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं रात को 12 बजे अपने श्री कृष्ण जी का झूला झुलाएं और फिर दूसरे दिन उठकर अपने पूरे उत्साह के साथ गोकुलाष्टमी का भी आनंद लें लेकिन संभाल के आगे जिंदगी बहुत पड़ी है इसको इसी तरह का बहुत बड़ा खतरा ना बोल लें और अभी तो सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को से आप हंडी नहीं फोड़वा सकते तो ये बहुत अच्छी पहल है बहुत अच्छा बहुत सारे केसेस
पास्ट में हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को तकलीफें हुई हैं, उत्सव मनाना एक सांकेतिक रूप है, लेकिन उसको 50, 60, 70, 80 फीट तक ले जाना और फिर उसमें जो इंजरीज होती हैं और बाकी के उनका परिवार सफ़र करता है, ऐसा किसी भगवान ने नहीं कहा। वो एक सांकेतिक रूप है, एक परंपरा है जिसको निभाया जाना चाहिए, बिल्कुल निभाया जाना चाहिए। लेकिन उसमें अब हो गया है पैसों का खेल, वो इतने लाख की हांडी रख रहा है तो मैं उसे 2 फुट ऊपर रखूँगा और इतने लाख का इनाम दूंगा। तो ये जो प्रथा चल पड़ी है उसको कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि कम से कम 18 साल के कम उम्र के छोटे बच्चे, उन्हीं को सबसे ऊपर चढ़ाया जाता है, तो वो अगर गिर गिरा गए तो घर का एक चिराग कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। और आजकल परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर किसी के पास 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते, तो भवितव्य जो है वो परिवार का खतरे में ना पड़े, ऐसी आप लोग सुरक्षा के साथ अपना जो कुछ भी है त्यौहार का आनंद मनाएं।